हाय मेरी प्यारी आरसीसी पैटर्न स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसा है? सब लोग अच्छा है ना? इक्विलिब्रियम चैप्टर इज गोइंग वेरी 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 नाइस विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर एंड 100% आई कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस. सो यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू अबाउट द वीक एसिड एंड वीक बेस. जैसा अभी ये टॉपिक एक्सप्लेन करता, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, व्हाई वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द सॉल्वेंट वाटर. बेटा सबको मालूम है प्योर वाटर बोले तो डिस्टिल्ड वाटर, डीआयनाइज्ड वाटर, नहीं तो रेन वाटर इज ए प्योर वाटर. रेन वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्यों मालूम है? वो H+OH- आयंस कभी भी नहीं देता बेटा, उसमें थोड़ा NaCl ऐड करो सो इम्प्योर वाटर बनता. इम्प्योर वाटर इमिडिएटली डिसोसिएट टू गिव H+ एंड OH-. अगर आप प्योर वाटर ले लिया तो क्या होता? सो प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? ये आयनाइज नहीं होता बेटा. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी 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 लेस. सो फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी 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 लेस. सो ऑलमोस्ट हम क्या बोल सकता, प्योर वाटर कैनॉट डिसोसिएटेड. इनकेस डिसोसिएट है तो भी वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड है. सो इसलिए बेटा फॉर प्योर वाटर का एक अच्छा स्पेशलिटी है, वो डिसोसिएट नहीं होता, असोसिएट नहीं होता. बट एक वाटर कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड लौरी एसिड. एक वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड लौरी बेस. अरे ब्रॉन्स्टेड लौरी तेरी याद हो गए ना, H+ डोनर इज कॉल्ड एसिड, H+ एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज बेस. दैट्स वाई क्या होता, H3O+ एंड OH- आयंस बनता. बेटा इन जनरली हम क्या बोल रहे हैं, H2O डिसोसिएट टू गिव H+ एंड OH-. अरे ये H+ OH- आयंस नहीं बनता, सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करता, बट डिसोसिएशन नहीं करता, बट इट अंडरगो ऑटो आयनाइजेशन. अरे ये दोनों का फर्क क्या है? देखो देखो देखो, ये डिसोसिएट हो गया ना, नहीं हो गया, ये डिसोसिएट हो गया ना, नहीं हो गया, फिर भी आयंस बन गया. इज इट राइट आर नॉट? इन जनरली डिसोसिएट है तो आयंस बनता, बट ये डिसोसिएट नहीं हो रहा फिर भी आयंस बन गया. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ वाटर. सो वाटर का स्पेशलिटी क्या है, वाटर अंडरगो ऑटो आयनाइजेशन. वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्वेंट. ए याद है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्वेंट? वाटर कैन एक्ट एज H+ डोनर. वाटर कैन एक्ट एज H+ एक्सेप्टर. वन वाटर मॉलिक्यूल इज H+ डोनर, वन वाटर मॉलिक्यूल इज H+ आयन एक्सेप्टर. बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस नेचर, द H2O विल गिव द आयन्स. समझ में आया ना? प्योर वाटर जैसा डिसोसिएट होता वैसा डिसोसिएट नहीं होता, बट आयंस बनता. समझ में आया ना? सो ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना. डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तुमको डाउट आता, गुरुजी इधर H+ क्यों लिखाया? H+ इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O+. कभी भी एंटायर केमिस्ट्री में H3O+ जगह पे H+ ले सकता, H+ जगह पे H3O+ ले सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, Ka into
concentration of H2O whole square is equal to concentration of H plus and concentration of OH minus. अरे बेटा Ka का मतलब क्या है? Dissociation constant of weak acid. Dissociation constant of weak acid. ये क्या है? Dissociation constant of weak acid. ये constant value. Concentration of H2O. What is the molarity of H2O? 55.55 molar. It is also a constant. KW constant. H2O constant. Constant into constant. Constant बनता. इसलिए बेटा ये Ka into H2O square. Constant into constant is nothing but constant. So what is the name of the constant? KW. What is the name of constant ra beta? KW. So KW kaisa define kar sakta? KW is called as ionic product of water. Ionic product of water. KW is called as what? Ionic product of water. Are aisa kaisa? H plus ion. OH minus ion. Do ions ka product hai. But though ions are coming from water. Samajh mein aaya na? So KW is called as what beta? Ionic product of water. Yahan tak likho achhi tarah se. Aur point wise explain karta beta. Neatly questions hone do, theoretical questions hone do, numericals hone do, concept hone do, formula hone do, kuch bhi hone do. Neatly point wise explain karta, yahi points final NEET exam mein aata. ठीक है ना? Yes, first one. बेटा, what is the formula of ionic product of water? So, ionic product of water means KW is equal to H plus into OH minus. बेटा, in generally, मेरा साथ लिखो बेटा, at room temperature, concentration of H plus ions and concentration of OH minus ions fix hai at room temperature. Room temperature bole to at 25 degree centigrade. At 25 degree centigrade, concentration of H plus 10 to the power minus 7. Concentration of OH minus ion is also 10 to the power minus 7. Isliye, what is the value of KW? KW is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. That's why 1 into 10 to the power minus 14 molar square. अरे तुमको मालूम है ना? Molarity. Molarity का unit क्या है? Mole per liter. इसलिए what is the KW value? ये constant value याद रखना पड़ता तुम याद रखना पड़ता at 25 degree centigrade what is the value of KW 1 into 10 to the power minus 14 mole square per liter square this is the value of KW तुमको doubt आता गुरुजी ये KW explain किया अच्छा है, but what is the use of KW value? KW is used to find concentration of H plus ion and concentration of OH minus ion. कैसा गुरुजी? देखो, अरे बेटा KW is equal to कितना? Concentration of H plus into OH minus. KW value constant hai na? KW value constant hai na? So KW is equal to concentration of H plus into OH minus. Suppose tumko H plus ion concentration malum hona chahiye. Aap bolo. How you find the H plus ion concentration? Kya bolta?
1 × 10⁻¹⁴ divided by OH minus ion. So OH minus ion concentration मालूम है तो H plus ion concentration मालूम होता. In the same way, H plus ion concentration मालूम है तो OH minus ion concentration मालूम होता. समझ में आया ना? So तुमको क्या समझ में आया? KW का use क्या है? Use क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस मालूम होता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच मालूम होता. ठीक है, मालूम हो गया, और यूज क्या है? अरे बेटा, इन जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस. द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज एसिडिक. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस greater than concentration of H plus. Nature of solution basic. The concentration of H plus is equal to OH minus. The nature of the liquid is neutral. समझ में आया ना? That is the use of KW value. ठीक है, और एक भारी point पढ़ा था. देखो, बहुत भारी point पढ़ा था. सुनो, KW value depends only on temperature. ये भारी पॉइंट है. सो KW value depends only on temperature. सपोज, सुनो, फॉर एग्जाम्पल बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या होता? इंक्रीज होता. दैट मींस डिग्री ऑफ ऑटो प्रोटोलिसिस प्रोसेस क्या होता? इंक्रीज होता. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज है तो नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स इंक्रीज होता, नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स इंक्रीज होता. सही है ना? टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन्स, नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स पर लीटर इंक्रीज होता. इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज होता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस भी इंक्रीज होता. के डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच. बोलो, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, सो ऑटोमेटिकली के डब्ल्यू वैल्यू भी इंक्रीज होता. सो के डब्ल्यू वैल्यू स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. KW value कितना? KW value 1 × 10⁻¹⁴. ये always fix रहता है क्या? 25 degree centigrade बोले ना इधर. So 25 degree centigrade में इसका value constant है. Temperature change हो गया, KW value भी बदलता बेटा. So finally, what is the conclusion? KW value is directly proportional to the temperature. KW value directly proportional to the temperature. 4 points ho gaya, likho beta. Pyari, go for the next one. 4 points ho gaya, 5th point. Ye 5th point kya diya, dekho. The KW is equal to 2 × 10⁻¹⁴ at 35 degree centigrade. 35 degree centigrade में value दिया बेटा. Then what is the value at 10 degree centigrade? 10 degree centigrade. What is the value at 10 degree centigrade? That is the question he asking. बेटा, सबको अभी just discuss किया ना, KW value was depends on the temperature. टेम्परेचर इंक्रीज किया तो KW वैल्यू इंक्रीज होता.
सो टेम्परेचर डिक्रीज किया तो के डब्ल्यू वैल्यू भी डिक्रीज होता, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज द वैल्यू, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या होना, इसमें से कम वैल्यू आना चाहिए, इसमें से कम वैल्यू आना चाहिए. सो व्हाट इज द आंसर, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलेशन ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है ना. यस, गो फॉर द नेक्स्ट वन. बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम करता, देखो. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू 2×10⁻¹ molar, then Kw value is equal to how much? What is the value of Kw? प्यारी हम एक अच्छा पॉइंट बताता, सुनो. Kw का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. हम तुमको क्या बोला, के डब्ल्यू जो वैल्यू है ना, द के डब्ल्यू वैल्यू इज कॉन्स्टेंट. सो सपोज अगर एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, ओ एच माइनस डिक्रीज होना, एच प्लस डिक्रीज किया, ओ एच माइनस इंक्रीज होना. क्यों इंक्रीज होना? के डब्ल्यू बिकम्स टू कॉन्स्टेंट. के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट होने के लिए एच प्लस चेंज है तो ओ एच माइनस भी चेंज होता. समझ में आया तुमको? क्वेश्चन क्या पूछा, अरे एच प्लस इज 2×10⁻¹. अरे ये जरूरत क्या है, इधर टेम्परेचर दिया ना, तुमको क्या मालूम है, एट तुमको क्या मालूम है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द के डब्ल्यू वैल्यू 1×10⁻¹⁴ molar square. This value is constant. H plus concentration कौन सा भी देने दो, OH minus concentration कौन सा भी value देने दो, KW value at 25 degree centigrade change नहीं होता. क्यों? इधर mention किया at 25 degree centigrade बोल के, इसलिए value ऐसा है. देखो मस्त पढ़ाता, देखो नेक्स्ट पॉइंट. सपोज हम ऐसा दिया, एट सर्टन टेम्परेचर, सुनना चाहिए बच्चों, सुनना चाहिए, एट सर्टन टेम्परेचर, एट सर्टन टेम्परेचर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज 2×10⁻¹ molar, देन के डब्ल्यू वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच. अरे बेटा ये सिक्स्थ क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन किया, बट सेवंथ में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, इसलिए कैसा सॉल्व करना, के डब्ल्यू इज इक्वल टू, सबको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, बट क्वेश्चन में एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया, ओ एच माइनस नहीं दिया ना. बट सुनो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया तो 1 mole एच प्लस देता, 1 mole ओ एच माइनस देता. सो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना लेना पड़ता. समझ में आया ना, H2O dissociate किया तो 1 mole H plus देता, 1 mole OH minus देता. So H plus का concentration 2×10⁻¹ है तो OH minus concentration भी 2×10⁻¹. इसलिए KW is equal to क्या लेना चाहिए, concentration of H plus into concentration of OH minus. So KW is equal to, KW is equal to H plus 2×10⁻¹. OH minus 2×10⁻¹. So what is the answer? 4×10⁻¹. समझ में आया ना? ऐसा कैसा गुरुजी, इधर टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए विदाउट कैलकुलेशन KW वैल्यू ले लिया, बट इधर टेम्परेचर दिया क्या, सर्टेन टेम्परेचर बोला, सर्टेन टेम्परेचर बोला.
सो इसलिए केडब्ल्यू वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता। सपोज अगर एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज, क्वेश्चन ऐसा दिया। ओए समझ में आ रहा है क्या? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एच प्लस वैल्यू दिया, ओ एच माइनस पूछा। देखो देखो के डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। हा ना बेटा, अरे ये के डब्ल्यू वैल्यू नहीं दिया दलिंदर, नहीं दिया, हमको मालूम है कितना है के डब्ल्यू वैल्यू, 1 × 10⁻⁴। अरे इतना दिन हो गया रहा बेटा। अब दलिंदर बोल के हमारे क्लास में तो बहुत मस्त मजा होता है। ये ईयर बहुत बैड ईयर रहा बेटा, बहुत खराब ईयर है, तुमको और मुझको दूर किया बेटा ये कोरोना। लव यू बेटा, लव यू। देखो के डब्ल्यू वैल्यू 1 × 10⁻⁴। रो रहे है क्या? नको, जस्ट एक्टिंग कर रहे। 1 × 10⁻⁴। एच प्लस वैल्यू कितना? 2 × 10⁻⁷। सो नाउ यू कैन फाइंड ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो वट इज द ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन? 1 × छोटा छोटा ट्विस्ट है बेटा, सो आप बहुत नजर होना चाहिए, ठीक है ना? वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके और एक नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता, और एक नेक्स्ट पॉइंट, वॉट इज द ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन 0.0005 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया ना? फिर भी एक्सप्लेन करता देखो, क्लैरिटी में एक्सप्लेन करता देखो बेटा। व्हाट इज द ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन? मींस ओएच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। क्या दिया तुमको? एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, दिया, इनडायरेक्टली दिया। कैसा? देखो बेटा ये H2SO4, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.00055 1 1 2 3 4, इसलिए दिस इज नथिंग बट 5 × 10⁻⁴ मोलार। हा ना बेटा, सही है ना? सो H2SO4 डिसोसिएट टू गिव 2H+ and SO4-2। सो वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस? 2H+, इसलिए क्या होता 2 × 5 × 10⁻⁴। वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2? वो एक ही आयन है ना बेटा, इसलिए 5 × 10⁻⁴। ठीक है, आप बोलो वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस? 2 × 5 × 10⁻⁴। ये वैल्यू कितना? 10 आता, 10 × 10⁻⁴, दैट मीन्स 10⁻³ इज द एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा, तुमको क्या मालूम है? के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। देखो देखो देखो, समझ में आ रहा है ना? के डब्ल्यू वैल्यू कितना? 1 × 10⁻⁴। ऐ सुनो, के डब्ल्यू वैल्यू कितना? 1 × 10⁻⁴ एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर मेंशन किया क्या? नहीं किया। इसलिए बेटा ईच एंड एवरी रिएक्शंस इन द लैबोरेटरी टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। अरे लैब, लैब बोले तो रूम है ना, लैब बोले तो रूम है ना, लैबोरेटरी बोले तो रूम पे एक्सपेरिमेंट करता। मींस ईच एंड एवरी रिएक्शन वाज टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर।
सो रूम टेम्परेचर नहीं है तो मेंशन करता एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तो हमको लगना चाहिए द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड में के डब्ल्यू वैल्यू कॉन्स्टेंट है ना, हो बाय हार्ट होना चाहिए, है ना बेटा. सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस मॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस पूछा. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस 10^-11 मोलार. बहुत अच्छे समझ में आया ना तुमको, क्लैरिटी आया ना बेटा. उल्टा पूछता, उल्टा क्वेश्चन क्या है वो, व्हाट इज द एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 0.1 मोलार एन ए ओ एच सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन ऐसा पूछा. सो तुमको क्या समझ में आया बेटा, एच प्लस का कंसंट्रेशन पूछा, एच प्लस का कंसंट्रेशन पूछा और क्या दिया 0.1 मोलार एन ए ओ एच. अरे बाप रे, तुमको मालूम है एन ए ओ एच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, 100% डिसोसिएट होता. सो 100% डिसोसिएट इट गिव्स एन ए प्लस एंड ओ एच माइनस, है ना बेटा, है ना बेटा. सो तुमको क्या समझ में आया 0.1 मोलार एन ए ओ एच डिसोसिएट टू गिव 0.1 मोलार एन ए प्लस 0.1 मोलार ओ एच माइनस. ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है क्या, यस. सो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस. अरे बाप रे, इतना ईजी है. देखो के डब्ल्यू वैल्यू 10^-14, एच प्लस कैलकुलेट करना पड़ता, ओ एच माइनस 10^-1 दिया. सो क्या समझ में आया, इसमें तुमको एच प्लस दिया ओ एच फाइंड आउट करना, ओ एच दिया एच प्लस फाइंड आउट करना. सो व्हाट इज द यूज ऑफ के डब्ल्यू, व्हाट इज द यूज ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हेल्प to find the H plus ion concentration, OH दिया तो, OH minus ion concentration, H plus दिया तो, समझ में आया क्या, लिखो अच्छी तरह से. The next question, 11th question रे बेटा, number of H plus ions, number of H plus ions present in 1 liter of water is, that is the question. Number of H plus ions present in 1 liter of water is. So ye H plus ions kaise find out karna? Beta 1 liter water le liya. Ye 1 liter water le liya ek vessel mein. Ek vessel le liya. Ek vessel mein 1 liter water hai. 1 liter water. Isme kya karna chahiye? नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स फाइंड आउट करना. सो हाउ यू फाइंड द नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स, देखो एक ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्यारी, स्टार्टिंग पॉइंट में तुमको एक्सप्लेन किया एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज 10^-7. पढ़ाया नहीं, पढ़ाया ना. सो मुझको एक पॉइंट बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू कितना, 10^-7 मोलार. याद करो, याद करो, ये कैपिटल एम का मीनिंग क्या है, मोलारिटी. मोलारिटी का यूनिट्स क्या है, मोलारिटी का यूनिट्स क्या है, मोल पर लीटर, है ना. सो 10^-7 मोल पर लीटर, है ना बेटा. अभी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है,
सो देखो 10^-7 मोल पर लीटर, उसका मीनिंग क्या है, 10^-7 मोल्स ऑफ Hg+ ions आर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ वाटर। जबरदस्त है। इधर हम क्या करता, थोड़ा ट्विस्ट करता, इन 1 ml ऑफ वाटर। अच्छा लगता ना? यस, देखो बोलो प्यारी, पर तुमको 10^-7 मोल्स ऑफ Hg+ ions प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ वाटर। हमको मोल्स नको, आयंस चाहिए। सो इसलिए मोल जगह पे 16^10^23 Hg+ ions आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर। हा ना, हा ना, यस। सो 16^10^16 Hg+ ions आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर। समझ में आया तुमको? अभी समझ में आया? क्या पूछा, क्या पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा? द नंबर ऑफ Hg+ ions, नंबर ऑफ Hg+ ions प्रेजेंट इन 1 ml। अरे बेटा 1000 ml वाटर ले लिया तो 1000 ml वाटर का अंदर Hg+ ions कितना होता? 16^10^16 Hg+ ions होता। बट हम क्या बोले बेटा, 1 ml ऑफ H2O। सो 1 ml ऑफ H2O में, 1 ml ऑफ H2O में कितना Hg+ions होता? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। करो ना, 16 × 10 करो ना, 10^3 हो गया। समझ में आया ना बेटा? हम जो मॉडल्स इधर पढ़ा रहा वही मॉडल नीट एग्जाम में आता, याद रखो। यही मॉडल्स प्रैक्टिस करो, यही आता फाइनल नीट एग्जाम में, बाकी कुछ भी नहीं आता, याद रखो। क्वेश्चन देखो, हम ऐसा दिया बेटा, एट सर्टन टेम्परेचर, एट सर्टन टेम्परेचर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg+ इज 2.5 × 10^-7 मोलार, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ Kw इज, दैट इज द क्वेश्चन। प्यारी सुनो, अच्छे तरह से सुनो, हम क्या बोलता सुनो। सपोज इधर एट 25 degrees centigrade द वैल्यू ऑफ Kw इज, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एट 25 degrees centigrade, एट 25 degrees centigrade Kw वैल्यू कॉन्स्टेंट है। बोलो क्या है वो? एट 25 degrees centigrade Kw वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू, हा ना बेटा? सो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया, एट सर्टन टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंशन किया क्या? मेंशन नहीं किया, नहीं किया तो Kw वैल्यू सॉल्व करना। कैसा सॉल्व करना? देखो Hg+ का कंसंट्रेशन OH- आयन का कंसंट्रेशन दोनों का कंसंट्रेशन एक ही होता। सो Kw वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Hg+ × OH-। सो व्हाट इज द Kw? 2.5 × 10^-7 2.5 × 10^-7 सो 6.25 × 10^-14 मोलार स्क्वायर। देखो केयरफुली लिखना चाहिए, केयरफुली पढ़ाना। एट सर्टन टेम्परेचर बोला, इसलिए Kw कैलकुलेट किया। सर्टन टेम्परेचर जगह पे
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा दिया तो पूरा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या आता, के डब्ल्यू वैल्यू डायरेक्टली आता है ना बेटा, समझ में आए ना, लिखो। अच्छा और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहा बेटा। सो 13 पॉइंट्स दिया, यही 13 पॉइंट्स प्रैक्टिस करना जेईई स्टूडेंट्स के लिए, और 10 मिनट बाकी है वो सेपरेट जेईई स्टूडेंट्स के लिए शूट करता। नीट स्टूडेंट्स के लिए 13 पॉइंट्स दिया, 13 पॉइंट्स इज एनफ। द लास्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन ऐसा दिया बेटा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस 2.5 इंटू 10^-9 मोलार इन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज, दैट इज द क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक पॉइंट बताता, सुनो अच्छी तरफ से बेटा। फॉर एग्जाम्पल बी ए वो एच ट्वाइस डिसोसिएट टू गिव बी ए प्लस टू वो एच माइनस आयन, अगर 0.1 मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ बी ए वो एच ट्वाइस डिसोसिएट किया तो बी ए प्लस टू का कंसेंट्रेशन कितना होता, 0.1 मोलार। हाँ फिर बोलो, वो एच माइनस आयन का कंसेंट्रेशन कितना होता, 2 × 0.1 मोलार। इज इट राइट आर नॉट, यस बेटा। हम क्या बोलते तुमको, बी ए वो एच ट्वाइस का कंसेंट्रेशन मालूम है तो वो एच माइनस आयन का कंसेंट्रेशन मालूम होता। सपोज इधर ऐसा दिया, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन दिया, आप बोलो बी ए प्लस टू का कंसेंट्रेशन कितना हो सकता। यस, ये दो मोल्स है ना, दो मोल्स को 0.4 है ना, ये एक ही मोल है ना, सो इसका कितना आता, 0.2 मोलार। इसका कितना आता, इसका भी 0.2 मोलार आता। सो हम क्या बोल रहे तुमको, बी ए वो एच ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो वो एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मालूम होता, वो एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो बी ए वो एच ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन मालूम होता। समझ में आया ना हम क्या बोल रहे तुमको, यस। अभी क्वेश्चन पढ़ो, अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता बेटा। एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बी ए वो एच ट्वाइस, मेरी प्यारी बच्चों के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू वो एच माइनस। के डब्ल्यू वैल्यू वो नहीं दिया, मेंशन भी नहीं किया, बट हम इतना ही लेना चाहिए। क्यों सभी का सभी रिएक्शंस लैबोरेटरीज में चलता। लैबोरेटरी मीन्स इट इज नथिंग बट ओपन हॉल, लैबोरेटरी इज नथिंग बट रूम, दैट मीन्स लैबोरेटरी में कौन सा भी रिएक्शन होने दो, दैट इज नथिंग बट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में के डब्ल्यू वैल्यू फिक्स है ना बेटा। अभी इसमें एच प्लस 2.5 × 10^-9 इंटू वो एच माइनस। अच्छा आप फाइंड आउट करो OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन कितना होता, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन कितना होता, ये 0.4। ये वैल्यू कितना था, ये ऊपर गए तो 10^-5, 4 × 10^-6, ये OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन।
बट क्वेश्चन में तुमको OH- आयन कंसेंट्रेशन नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, BaOH ट्वाइस का कंसेंट्रेशन पूछा। अरे ये OH- का 2 × 10⁻⁶ मोलर लिख सकता है क्या बेटा? 4 × 10⁶ है ना, सो क्या लिखाया? 2 × 10⁶। अभी आप बोलो, अभी आप बोलो BaOH ट्वाइस का है कितना होता? 2 × 10⁻⁶ मोलर। समझ में आया क्या तुमको? अच्छा बेटा, आज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर NCERT टेक्स्ट बुक में जस्ट 4 लाइन्स है, जस्ट 4 लाइन्स है बेटा। पूरा एनालाइज करके तुमको 13 पॉइंट्स दिया, क्वेश्चन आया तो इसमें से आना चाहिए, याद रखो। यही मॉडल्स आता, यही आता, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना बेटा?